जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्केल का यूज किया। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेच कमांड क्या होती है, स्ट्रेच का यूज क्या होता है, किस तरीके से उसको उपयोग करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां से हमने स्ट्रेच कमांड पे क्लिक किया। स्ट्रेच कमांड में क्या होता है कि जैसे कि ये 30 है और ये 15 है, 30 है, 15 है। दोस्तों इसको हमको 5 बढ़ाना है, केवल इसको हमको 5 बढ़ाना है। इसका काम बहुत अलग तरीके से, यदि थोड़ा सा आपने गलती किया तो थोड़ा सा पार्ट गड़बड़ हो सकता है। आपने स्ट्रेच पे क्लिक किया, मेरे को इसको 5 और बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पार्ट को देखिए किस तरीके से सिर्फ इतना आधे पार्ट को सेलेक्ट किया और इंटर किया। इंटर करने के बाद में मैंने यहाँ के सेंटर पे क्लिक किया। अब यहाँ के सेंटर पे क्लिक कर दो और क्लिक करके नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाके आपको क्या करना है, यदि आप ऊपर ले जाके 5 इंटर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। आपने क्या किया, स्ट्रेच पे आपने क्लिक किया, पार्ट को सेलेक्ट किया, इंटर किया, नीचे लाकर आपने उसमें जितनी भी वैल्यू डालनी थी वो वैल्यू डाल के आपने क्या किया, इंटर कर दिया, तो वो पार्ट उसमें प्लस हो गया। आप ऊपर ले जाएंगे, आप यदि उसको डिक्रीज करेंगे तो माइनस होगा और इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। अब ये 30 को आपको 10 घटाना है या 10 बढ़ाना है, तो स्ट्रेच कमांड पे गए आप, पार्ट को आपने सेलेक्ट किया। दोस्तों ध्यान रहे, देखो यदि आप पार्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका मूव कमांड का काम करेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, पार्ट को सेलेक्ट करना है, आधा पार्ट सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, कहीं पर भी पॉइंट पर क्लिक करना है। आपको पीछे धकाओगे आप तो पीछे जैसे ही आपने धकाया और जो भी वैल्यू डाल के आपने यह लिखा स्पेस बाय सेकंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट, तो आपने इंटर कर दिए इधर करके, तो 10 माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे का पॉइंट 10 बढ़ाना है, आपने नीचे वाला पॉइंट पॉइंट देखिए पार्ट तो हो गया, नीचे भी स्ट्रेच हो गया और इधर लेफ्ट में भी स्ट्रेच हो गया, राइट में भी यूज कर लिया आपने। अब देखिए आपको इस पॉइंट को बढ़ाना है, तो आपको जिस जगह को बढ़ाना है, जिसका उपयोग करना है, आपको सिर्फ उस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। इस पॉइंट को बढ़ाना है केवल, तो इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करिए, एंटर करिए और इस पॉइंट पर क्लिक करके आगे कर दीजिए। अब आपने क्या किया, 10 वैल्यू डाल के आपने इंटर कर दिया, तो ये देखिए 10 नीचे इंक्रीज हो गया है। आप यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ से डायमेंशन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए। अब ये गलत क्यों आ रहा है, गलत इसलिए आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप जूम करिए तो आपने डायमेंशन को गलत जगह से ले रखा है। आप इस पॉइंट पे मूव कर दीजिए, ये देखिए करेक्ट हो गया है, हो गया करेक्ट। इस तरीके से आपको इस पॉइंट को बढ़ाना है, तो आप स्ट्रेच कमांड पे जाएंगे, आपको सिर्फ उतना ही पार्ट को सेलेक्ट करना है, वो पूरा पार्ट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। इंटर किया आपने, इस पॉइंट पर क्लिक किया आपने, इधर जाके आपने 10 वैल्यू डाल के आपने इंटर कर दिया, तो वो 10 इधर मूव हो गया है, ये देखिए। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रेच में यदि पूरा पार्ट सेलेक्ट होगा तो वो मूव का काम करेगी, और स्ट्रेच में जिस पॉइंट को बढ़ाना है, इस हिस्से को बढ़ाना है, उससे सेलेक्ट करिए और ले जाके आगे आप उसको स्ट्रेच कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो जितना आप बढ़ाना चाहेंगे उतना वो पार्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेच पे गया, इस पॉइंट पे आपने क्लिक किया, एंटर किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, 10 क्लिक कर दीजिए, 10 वापस आपका उस पोजिशन पे आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को बताएं ताकि वो भी सीख सकें, ऑटोकैड में एक्सपर्ट बन सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।